लोकल बेस, व्हाट इट मींस? इट मींस दैट के बेस एट अ पॉइंट. हमने बेसिस का टॉपिक पढ़ा था. बेसिस बेसिकली क्या थे? बेसिस आपके टोपोलॉजी के एलिमेंट्स को जनरेट करती थी. लेकिन अब ये लोकल बेस क्या है? लोकल मींस विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट इन मैथमेटिक्स. अब लोकल बेस क्या करेंगे? लोकल बेस कैसी कलेक्शन होगी? वो कलेक्शन ऐसे सारे ओपन सेट्स को जनरेट करेगी जिसमें पी, जिसमें वो पॉइंट पी आ रहा है, जिसके ऊपर हम उसको कह रहे हैं कि लोकल बेस एट द पॉइंट पी. सो लेट अस फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ दिस लोकल बेस. सो लोकल बेस एट अ पॉइंट, लेट पी बी अ पॉइंट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, देन द कलेक्शन सब द कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स बी पी इज कॉल्ड अ लोकल बेस एट द पॉइंट पी इफ एंड ओनली इफ एनी पॉइंट एनी एलिमेंट यू पी ऑफ द टोपोलॉजी टाउ दैट इज अ ओपन सेट कंटेनिंग पी देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी पी ऑफ द कलेक्शन बी पी सच दैट पी इज द एलिमेंट ऑफ दैट बी पी एंड बी पी इज द सबसेट ऑफ दैट यू पी. यानी कि अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में बयान करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी ओपन सेट जिसमें पॉइंट पी आ रहा है, अगर उस ओपन सेट को मैं जनरेट कर सकूं बाय टेकिंग द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी पी, देन बी पी क्या होगा? आपके पास लोकल बेस होगी उस टोपोलॉजी की एट द पॉइंट पी. नाउ वी हैव आवर रिमार्क, लेट बी बी अ बेसिस फॉर द टोपोलॉजी टाओ ऑन एक्स एंड पी बी अ पॉइंट ऑफ एक्स, देन द एलिमेंट्स ऑफ बी विच कंटेन पी फॉर्म अ लोकल बेस एट द पॉइंट पी. यानी कि मैं जो लोकल बेस किसी पॉइंट पी के ऊपर उसको कैसे राइट डाउन करूं, मेरे पास मुझे एक बेसिस गिवन है तो उसमें से अगर मैं वो सारे एलिमेंट्स चूज कर लेता हूं जिसमें पी आ रहा है कोई किसी भी पॉइंट पी के कॉरस्पॉन्डिंगली, तो मेरे पास जो सब कलेक्शन बी की होगी वो मेरे पास बनेगी लोकल बेस एट द पॉइंट पी. लेट अस प्रूव दिस फैक्ट. नाउ गिवन दैट B is the basis for tau. Now recall the first definition of the basis, that is for all open subsets of X and for every element of this open subset, there exists a basis element such that X is an element of this basis element B and B is the subset of U. अब जैसे इसको माइंड में रखिएगा. नो लेट अस टेक एन एलिमेंट P फ्रॉम X. नो कंसीडर the following subclass of and let's name it as this of the kind BP such that inki maine wo sare elements ko collect kar liya jin mein p aa raha tha. Now अब मुझे जस्ट ये शो करना है जो मेरी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जो डेफिनेशन थी लोकल बेस की, ये जो कलेक्शन है उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है. दैट इज कंसीडर एनी एलिमेंट यू पी फ्रॉम टी सच दैट पी जो है वो यू पी के एलिमेंट. क्योंकि मैंने बी पी में वो सारे एलिमेंट्स ले लिए जिनमें पी आ रहा था और वो बेसिस की सब क्लास थी, तो बेसिस की जो फर्स्ट दो लाइंस में डेफिनेशंस लिखी हुई वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि फॉर एवरी ओपन सेट एंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दैट ओपन सेट देयर एग्जिस्ट अ बेसिस एलिमेंट. अब मैंने सिर्फ पी को चूज किया है तो इसका मतलब पी से रिलेटेड जितने भी
बेसिस के एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे बीपी में आ गए, क्योंकि अगर मैं इसमें इसी सेकेंड लाइन में अगर मैं रिप्लेस कर दूं एक्स की जगह पी को, तो आई कैन राइट देयर एग्जिस्ट बीपी बिलोंग्स टू दिस क्लास बीपी सच दैट पी बिलोंग्स टू बीपी एंड बीपी इज अ सबसेट ऑफ यूपी। जस्ट थिंक कि मैंने इस पी को उठाया और इस लाइन में रिप्लेस कर दिया, इस लाइन में, वैसे तो पूरी लाइन में रिप्लेस किया, जस्ट ये जो लास्ट पार्ट जो लास्ट लाइन लिखी है जो कि क्रूशियल लाइन है इसमें। सो दिस इज इनफैक्ट द डेफिनेशन ऑफ द लोकल बेस एट पी। सो दिस इंप्लाइज दैट बी पी फॉर्म अ लोकल बेस एट पी एंड दिस इज द एंड ऑफ द प्रूफ ऑफ दिस रिमार्क। नाउ वी हैव अवर सेकेंड रिमार्क जो कि बेसिकली इसी रिमार्क से ही मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा रिवर्स साइड में। कैसे? लेट बी बी अ बेसिस देन दिस बेसिस कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ लोकल बेस एट पी। यानी कि आप हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आप लोकल बेस बना लेते हैं तो अगर आप उनको यूनियन करेंगे तो आप बेसिस जनरेट करते हैं। अब ये जो बी है, माई क्लेम इज बी इज अ बेसिस फॉर टाउ ऑन एक्स। इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा, ये प्रूफ एज एन एक्सरसाइज आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। जस्ट लुक एट द डेफिनेशन ऑफ बेसिस एंड द लोकल बेस, अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रूफ जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा।